हाय एवरीवन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वट इज़ अ सेल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स एंड वट आर द डिफ्रेंसेज एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन सेल्स तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि सेल होता क्या है तो सेल को हम केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करते हैं सेल इज़ अ सेटअप इट इज़ एन अप्रेटिस दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड सो सेटअप दैट कंटेन्स बहुत कैथोड एंड एनोड इट इज़ नोन एज और इसके लिए हमेशा आपने याद रखना है कोई भी सेल होता है उसमें कंप्लीट एक रिएक्शन हो रहा होता है उस केमिकल रिएक्शन को जो हमारे सेल में हो रहा होता है उसको हम हम, हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन इज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू ऑक्सीडेशन तो सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड को आप कंबाइन कर दें इन दोनों को कम, कम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सेटअप बनता है उसको हम सेल सेल कहते हैं और अगर कभी आप दो या चार या छह सेल्स को कंबाइन कर दें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को आप बैटरी का नाम देते हैं तो सेल और बैटरी में डिफरेंस आपने याद रखना है सेल में एक कैथोड होता है एक एनोड होता है बैटरी में एक से ज्यादा कैथोड और एक से ज्यादा एनोड होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एनोड इज सेल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज बैटरी दूसरी बात कैथोड एंड एनोड आपको पता होना चाहिए कैथोड एंड एनोड आर टू कॉमन इलेक्ट्रोड्स दैट वी यूज इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अब कैथोड और एनोड में डिफरेंस क्या है आपको इन दोनों में डिफरेंस जब भी पूछा जाए तो आपने ये याद रखना है कि कैथोड और एनोड को आपने हमेशा विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस डिफाइन करना है आपने कभी भी कैथोड और एनोड में डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू चार्ज नहीं बताना कैथोड और एनोड को जब भी डिफाइन करना है आपने डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस अक्रिंग ऑन दैट इलेक्ट्रोड अब जैसे देखें अगर आपसे कभी पूछा जाए एनोड क्या है तो आपने कहना है इट इज द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हमेशा जब भी रिडोक्स रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी भी प्लेट पे किसी भी इलेक्ट्रोड पे जब ऑक्सीडेशन होगी तो उस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे ये एनोड है और कैथोड हमेशा हमारा वो इलेक्ट्रोड होता है जिस पे रिडक्शन होती है इनको याद रखने के लिए मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूं जिससे आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं कि कैथोड क्या होता है और एनोड क्या होता है तो कैथोड हमेशा हमारा वो इलेक्ट्रोड है जिस पे रिडक्शन हो रही है तो इसके लिए आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं रेड कैट जी हाँ रेड फॉर रिडक्शन कैट फॉर कैथोड तो जब आपको पता चल गया कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगी तो एनोड पे ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन ही हुआ करेगी लेकिन एनोड के लिए भी आप एक शॉर्टकट याद रख सकते हैं एन ऑक्स एनोड फॉर ऑक्सीडेशन तो ये दो शॉर्टकट आप याद रख लें आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होता है और एनोड पर कौन सा प्रोसेस होता है तो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती है एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और जब भी हम एनोड और कैथोड को किसी सेटअप में कंबाइन कर देते हैं इनके कॉम्बिनेशन से जो सेटअप जो ऑपरेटस बन जाता है उसको हम सेल कहते हैं अगली बात अब जनरली जो सेल्स हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स जो आपने याद रखने हैं वन टाइप ऑफ सेल इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड अदर टाइप ऑफ सेल इट इज नोन एज वोल्टाइक और गेलवानिक सेल तो ये केमिस्ट्री में जनरली जितने भी सेल्स हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं उन सारे सेल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं जनरली एक सेल होता है इलेक्ट्रोलिटिक और दूसरा वोल्टाइक या गलवानिक और सबसे पहले इनमें क्या डिफरेंसेस हैं पहले हम वो डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं और फिर एंड में मैं इन दोनों सेल्स की सिमिलैरिटीज़ भी आपको बता दूंगा तो इलेक्ट्रोलिटिक और वोल्टाइक सेल में डिफरेंसेस क्या हैं तो सबसे पहले डिफेंसिस में बात कर लेते हैं सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी जब भी किसी सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो हम उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम देते हैं और इसके मुकाबले में वोल्टाइक अगलवानिक सेल में क्या होगा बिल्कुल इसके अपोजिट होगा जब कभी किसी किसी सेटअप में किसी सेल में केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी से हम वोल्टेज जनरेट कर रहे हो तो हम कहेंगे ये हमारा वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल है मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूं डेली लाइफ से तो आपकी माइंड में मजीद क्लियर हो जाएगा लेकिन फिलहाल जो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बता दिया पहला बेसिक डिफरेंस इलेक्ट्रोलिटिक वो सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है और वोल्टाइक या गलवानिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है दूसरी बात इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमेशा जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कुछ इनपुट सोर्स होना चाहिए तो जो इनपुट सोर्स हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए वो हमेशा बैटरी होती है बैटरी हमें वोल्टेज प्रोवाइड करती है जो वोल्टेज केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है लेकिन इसके मुकाबले में जो कभी हमारा जब कभी हमारा कोई वोल्टाइक या गलवानिक सेल होता है इस सेल में क्योंकि वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही होती है तो हमें कोई इनपुट सोर्स नहीं चाहिए होता बल्कि हमें कुछ आउटपुट सोर्स चाहिए होता है जो हमें ये बता सके कि हमारे इस सेल में कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है तो उस वोल्टेज को जानने के लिए जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं गेलवानो मीटर या वोल्ट वोल्ट मीटर आप यूज़ करते हैं तो वोल्ट मीटर हमारा आउटपुट का सोर्स होगा अच्छा समटाइम हम वोल्ट मीटर नहीं यूज़ करते हम वोल्ट मीटर की जगह कोई बल्ब लगा देते हैं या कोई मोटर लगा देते हैं और वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा होता है सेल हम उससे कोई वर्क डन करवा लेते हैं तो इससे इसका मतलब ये है चाहे बल्ब लगा हो चाहे मोटर लगी हो चाहे वोल्ट मीटर चाहे गलवानो मीटर ये सारे सोर्सेज ऑफ आउटपुट हैं ये आपको बताएंगे कि आपके सेल में कितनी वोल्टेज कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है तीसरा डिफरेंस जो आपने याद रखना है इन दोनों सेल्स में जिसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं लेकिन आपने बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना और आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है जी हाँ कैथोड पे नेगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन इसके मुकाबले में वोल्टाइक सेल में एनोड हमेशा नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है इसीलिए अगर मैं आप देखें ऊपर जो मैंने आपको एनोड और कैथोड की डेफिनेशन बताई है तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपने एनोड को और कैथोड को विद रिस्पेक्ट टू प्रोसेस आपने डिफाइन करना है एनोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पॉजिटिव है लेकिन एनोड वोल्टाइक सेल में नेगेटिव हो जाता है लेकिन हर दो सूरतों में एनोड पे हमेशा प्रोसेस कौन सा होता रहेगा जी हाँ एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती रहेगी और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती रहेगी तो इसलिए कभी भी आपने एनोड और कैथोड को विद रिस्पेक्ट टू चार्ज डिफाइन नहीं करना अब एक और डिफरेंस मैं अब इन दोनों आ, सेल्स की आपको डायग्राम दिखाता हूं आप डायग्राम देख के कैसे आइडेंटिफाई कर लिया करेंगे कि जो गिवन डायग्राम है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की है या वोल्टाइक जलवानिक सेल की है तो देखें पहली डायग्राम जो आपके सामने आ रही है जब कभी आपको किसी ऐसे सेल की डायग्राम दी गई हो जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल नजर आ रहे हों, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ये बैटरी का सिंबल है तो जब भी कोई बैटरी आपको नज़र आ रही है तो इसका मतलब है ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो हो रही होगी इस सेल की डायग्राम को देख के अगर मैं आपसे पूछूं तो बहुत इजीली आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा हमेशा जो प्लेट जो इलेक्ट्रोड बैटरी के लार्जर टर्मिनल से कनेक्ट होती है वो पॉजिटिव होती पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है क्योंकि लार्जर टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉलर टर्मिनल जो है नेगेटिव को तो जो स्मॉलर टर्मिनल से इलेक्ट्रोड कनेक्ट है वो उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और जो लार्जर टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा लेकिन देखिए अगर हम मैं इसके मुकाबले में एक दूसरी डायग्राम दूं ऑबियसली ये सेल अब मैं वोल्टाइक सेल की ही डायग्राम आपको शो करने जा रहा हूं लेकिन इस केस में अगर मैं आपसे पूछूंगा कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा और कौन सा पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट गो में आप मुझे नहीं बता सकते हो कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होगा कौन सा पॉजिटिव होगा डायग्राम देखें जरा एक बीकर लिया बीकर में हमने इलेक्ट्रोड लगाए सोल्यूशन हमने उसमें डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रिक वायर की हेल्प से हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया वोल्ट वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल हैं तो हमने दोनों इलेक्ट्रोड को से कनेक्ट कर दिया ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट हो गया ये हमारा इलेक्ट्रोड सपोज एक्स हो गया और ये हमारा इलेक्ट्रोड वाई हो गया अब अगर ये डायग्राम मैं यहाँ तक आपको स्केच करके दूँ अगर और, और अगर मैं आपसे पूछूँ इन दोनों में से इस वक्त कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिव है और कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है आप लोग नहीं बता सकते जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के केस में बता सकते हैं वोल्टाइक सेल के केस में थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए तब हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा कैसे देखें आपको मैं एग्जैक्ट आइडेंटिटी बता देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोड मैंने लगाए हैं एक्स किस एलिमेंट का बना हुआ है वाई किस एलिमेंट का तो उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा इस वक्त जो एक्स है एक्स जो है वो कॉपर का लगा हुआ है और वाई मैग्नीशियम मेटल का है तो वाई मैग्नीशियम हो गया एक्स कॉपर हो गया अब आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से नेगेटिव कौन सा होगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा कैसे देखें अब ये दोनों मेटल्स हैं। मेटल में हमेशा जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन ईजिली इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली और अभी मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है और वोल्टाइक सेल में एनोड नेगेटिव होता है, तो इस वक्त इन दोनों मेटल्स में से आप देखें ज्यादा रिएक्टिव मेटल मैग्नीज़ियम है मैग्नीजियम कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन इज़ीली, ऑक्सीडेशन हमेशा एनऑक्स एनोड पे होती है और हमारे वोल्टाइक सेल में एनोड हमेशा नेगेटिव होता है ये बात आपने याद रखनी है जब ये आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियसली दूसरा इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव होगा क्यों उस पर रिडक्शन होगी रिडक्शन हमेशा रेड कैट कैथोड पे होती है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है अब आपने ये जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई है ये आपने मेन डिफरेंसेस याद रखने हैं बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक और वोल्टाइक सेल जो दो मेन टाइप्स हैं हमारी केमिस्ट्री में ये वो डिफरेंसेस हैं। अब इसके अलावा कुछ दो सिमिलैरिटीज़ भी मैं बता देता हूँ जो आप याद रख सकते हैं अगर कभी पूछी जाए इलेक्ट्रोलिटिक और वोल्टाइक सेल में भाई क्या सिमिलैरिटीज़ हैं तो पहली पहलीरिटी जो आपने याद रखनी है चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे वोल्टाइक सेल हो दोनों में होगा जो रिएक्शन वो रिएक्शन ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रिएक्शन रिएक्शन तो चेंज नहीं कर सकते हम चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है चाहे वोल्टाइक रिएक्शन हमेशा रिडॉक्स होगा दूसरी जो सिमिलैरिटी है इट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में चाहे आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिया हो जाए चाहे वोल्टाइक सेल दिया जाए हमेशा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन एनोड टू कैथोड होती है तो अगर आप इस केस में देखें जो सेल आपके सामने पहले से कंप्लीट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो आप देखें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एनोड ऑक्सीडेशन वाले टर्मिनल से रिडक्शन कैथोड वाले टर्मिनल की तरफ और इस केस में भी अगर आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप उसकी डायरेक्शन शो करें तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होगी फ्रॉम मैग्नीशियम टू कॉपर फ्रॉम एनोड टू कैथोड तो हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन सिमिलर होती है चाहे सेल हमारा वोल्ट वोल्टाइक हो या में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ हमारा से इलेक्ट्रोलिटिक सेल है कौन सा वोल्टाइक है जैसे देखें कॉमनली इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अगर आपने एग्जांपल याद रखनी है जितनी भी मेटल्स की प्योरिफिकेशन हम करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स में जो सेल यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है इलेक्ट्रोलिस ऑफ वाटर में जो सेल आप यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है आ, लेकिन घरों में हम लोग आ, ये जो रिमोट यूज करते हैं टीवी के लिए आ, इन रिमोट में जो सेल यूज है, जो होते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं मैं नॉन रिचार्जेबल सेल की बात कर रहा हूं नॉन रिचार्जेबल जो सेल होते हैं वो वोल्टाइक सेल होते हैं उनमें केमिकल एनर्जी उनमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है अब जो रिचार्जेबल सेल होते हैं वो दोनों टाइप के सेल होते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक भी होते हैं और वोल्टाइक भी होते हैं जैसे रिचार्जेबल uh, सेल आपकी कार बैटरी है लैपटॉप uh, की आपकी बैटरीज है आपके मोबाइल की बैटरीज है ये सा, ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने बोली हैं ये दोनों टाइप के सेल हैं जब आप लैपटॉप को चार्ज कर रहे हैं तो उस वक्त वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है लेकिन जब आप स्विच ऑफ कर दें चार्जिंग को बंद कर दें और आप लैपटॉप या मोबाइल यूज करना शुरू कर दें चार्जिंग बाद तो उस वक्त आपका लैपटॉप या मोबाइल जो है वो वोल्टाइक या गलवानिक सेल बन जाता है मैं उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा आपने एंजॉय किया होगा थैंक यू फॉर योर टाइम